एमिटी विश्वविद्यालय की तरफ से हजारीबाग के मटवारी स्थित एके इंटरनेशनल होटल के सभागार में शिक्षक मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के विभिन्न कोचिंग संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सुमित सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय भारत के 22 राज्यों और 9 देशों में अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार रूपी शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को सुनहरा बना रहा है। विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा बल्कि संस्कारों को भी प्रदान कर एक अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश कर रहा है, काम कर रहे हैं। तो ऐसे कहीं नहीं किया था। पहली बार उन्होंने एमिटी झारखंड के साथ एमओयू साइन अप किया। क्यों? जब उनके इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हमारे कैंपस में आए और उन्होंने देखा कि हमारे फैकल्टी ऐसे कई रिसर्च टॉपिक में काम कर रहे हैं जो शायद वो भी काम कर रहे हैं, और हम मिल के साथ और बेहतर हम कर पाए। इसमें सबसे एक मुख्य प्रॉब्लम जो झारखंड का है वो सिकल सेल एनीमिया, जिसपे एमिटी झारखंड पहले से काम कर रही थी। अब एम्स के साथ मिलकर उस पर हम और दोहरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं ताकि झारखंड से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। दूसरा, स्नेक बाइट, जो 1/3 जंगल है, सांप के काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि किस सांप ने काटा है तो हम एंटीडोट देकर उसको बचाया जा सकता है। हमारी टीम, झारखंड टीम के कैंपस के जो लोग फैकल्टीज हैं वो स्नेक बाइट डायग्नोस्टिक किट बना रहे हैं एम्स के साथ मिलकर, ताकि उस डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से पता चल सके किस सांप नहीं किया था। पहली बार उन्होंने एमिटी झारखंड के साथ एमओयू साइन अप किया। क्यों? जब उनके इंस्टीट्यूट डायरेक्टर